यहाँ पर देखिए पूरे इतिहास के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है जिसका नाम रह गया था और वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मा के इतिहास में अगर इस आदमी का जिक्र ना हो तो फिर फार्मा का इतिहास किसी काम का नहीं है। और वो आदमी है फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जी हाँ उनको बोला जाता है फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नाम है विलियम प्रॉक्टर जूनियर। जी हाँ विलियम प्रॉक्टर जूनियर, पैदाइश है 1817 में, कहाँ पैदा हुए थे, जी हाँ अमेरिका में ही। अमेरिका में फार्मा के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है, और जैसे कि ये एक फार्मासिस्ट थे, साथ ही साथ इनको बोला जाता है फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी भी इनको बोला जाता है। इन्होंने ही अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की शुरुआत करी थी और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है US फार्माकोपिया में भी, और साथ ही साथ अमेरिका में फार्मेसी से जुड़ी हुई पहली टेक्स्ट बुक के जो ऑथर थे वो भी विलियम प्रॉक्टर जूनियर ही थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जो कि फार्मेसी के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम रखते हैं और अपना एक कद भी रखते हैं।